आज मैं आपके लिए बर्स का एक कामयाब इलाज लेके आया हूँ। दोस्तों, बर्स ख़तरनाक बीमारी है जिसको जो है सफ़ेद दाग भी कहते हैं, कोढ़ का मर्ज़ भी कहते हैं, बर्स भी कहते हैं, ठीक है। एक ऐसा मर्ज़ होता है जिसका अगर वक्त पे इलाज ना किया जाए तो बढ़ते बढ़ते ये जिस्म पे फैल जाता है और पूरे जिस्म को अपने घेरे में ले लेता है, ठीक है। जिसको आप सफ़ेद दाग कहते हैं, बर्स कहते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। आसान से लफ्ज़ों में इसे कोढ़ भी कहा जा सकता है, ठीक है। तो आज मैं आपको इस भयंकर बीमारी का ऐसा इलाज बताऊंगा, इंशाल्लाह पुराने से पुराना बर्स आसानी के साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अज़हरी दवा खाने की जानिब से मैं हूँ हकीम मोहम्मद रिजवान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्यारे दोस्तों, बर्स को लेके ऐसे लोग भी हमारे मतब पे आते हैं, वो कहते हैं कि हकीम साहब, हमें साल हा साल हो गए लेकिन ये दाग नहीं जाते, जो सफ़ेद रंग वाले दाग आ चुके हैं उनको बर्स की बीमारी कहते हैं, ये गायब नहीं होते, अब हम इसका इलाज कैसे करें, कोई उपाय बताइए, कोई तरीका बताइए। वो हमारे पास जब आते हैं तो हम उनको इलाज भी कर, जो इलाज लायक होते हैं उनको इलाज के लिए बोल देते हैं, और जो इस लायक होते हैं वो घर पर बनाए तो उनके लिए हम नुस्खा भी बता देते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, आज मैं आपको नुस्खा दे रहा हूँ, ये नुस्खा एक ऐसा कीमती और कामयाब नुस्खा है जो बर्स को ख़त्म कर देगा। आपको लेना है तुखमे मूली। तुखमे मूली पंसारी के यहाँ आसानी के साथ मिल जाएंगे, ठीक है। ये भी आपको दो तोला लेने हैं, गंधक आमला सार दो तोला, बापची दो तोला, ये सारी चीज़ें दो दो तोला लेकर आप इसको कूट कर मिलाएं, एक जगह मिक्स कर लें, ठीक है। एक तोला रोज़ाना रात को तीन छटांग पानी में भिगोएं और सुबह को नितार के पी लें। जो बचा हुआ फोकस है वो दानों पर, दागों पर, जहाँ भी सफ़ेद दाग हैं वहाँ लगा लें। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के बाद आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा और धीरे 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 ये दाग यानी बर्स का मर्ज जो है, जिसको कोढ़ कहते हैं, इंशाल्लाह ये ख़त्म हो जाएगा और आप इस भयंकर बीमारी से आसानी के साथ छुटकारा पा सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आ गई होगी हो तो फिर वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। होगी अगली वीडियो मुलाकात। अस्सलामुअलैकुम।